हमारे प्रिय दादा भाई, स्वागत है आपका। आप ही तो एक हमारे सच्चे भाई हैं। आपको पता है, आपके उपरांत हमारे सारे भाई सब के सब बेकार हैं। बिल्कुल महाराणा जगमाल, आप ही हमारे सच्चे भाई हैं। देखिए आप, आज हम सब भाइयों में सबसे अधिक समृद्ध कौन है? हम दोनों। सबसे अधिक सुखी कौन है? हम दोनों शक्ति दादा भाई, हम दोनों। और आप देखिएगा, हम दोनों ही सबसे अधिक सुखी और समृद्ध लंबी आयु वाला जीवन व्यतीत करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने, आपने और आप सबने सही पक्ष चुना है। अन्यथा बोलिए, कहाँ है धरती का वो वीर पुत्र आज? जंगल में। वे अपना बचा कुचा पूरा जीवन मैं तो हीन दुर्गों को मुगलों से विजय करने में ही गवा देंगे। वो दुर्ग जिनका कोई महत्व ही नहीं है हमारे लिए और ना ही शहंशाह अकबर के लिए। इसीलिए महाराणा जगमाल, आज हम स्वयं यहां आपकी और हमारी सफलता का उत्सव मनाने आए हैं। ये लीजिए, शहंशाह ने खास आपके लिए और आपके साथी सेवकों के लिए भेजी है ये मदिरा, ताकि आप और आपके साथी सेवक आपका राज्य अभिषेक और आपकी सफलता का उत्सव अच्छे से मना सकें। और साथ ही साथ बधाई संदेश भी भेजा है। क्या संभाला है आपने उदयपुर को, क्या जीता है? लीजिए लीजिए और लीजिए। ये शहंशाह बिना, और आप सब भी पीजिए। ये लीजिए और लीजिए और पीजिए। कमल के ये लीजिए। जगमाल पाल दादा भाई, ये नहीं हो सकता। नहीं दादा भाई, नहीं दादा भाई, क्षमा कर दीजिए। अब बोलिए दादा भाई, दादा भाई क्षमा कर दीजिए दादा भाई।
और इस प्रकार शक्ति सिंह के साथ और अपने अद्भुत शौर्य से महाराणा प्रताप ने देखते ही देखते बहुत ही कम समय में उदयपुर को मुगलों और उसके कठपुतली शासक जखमाल से वापस छीन लिया। हमारे प्रिय साथी, अंत में हमने मेवाड़ की राजधानी उदयपुर को मुगलों से स्वतंत्र करवाई और इसका श्रेय जाता है हमारे वीर योद्धाओं, हमारे वीर सामंतों, हमारी समस्त प्रजा और आप सभी कभी हम वचन देते हैं कि भविष्य में मुगल उदयपुर की ओर और आंख उठाकर भी नहीं देखे। और आज से उदयपुर के वित्त मंत्री होंगे भामाशाह और उदयपुर के प्रधानमंत्री होंगे चुंडावच्ची। दादा भाई, अब हमें भी आज्ञा दीजिए, हमारा जाने का समय आ गया है। बस एक बार स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया है हमने, जाकर अपनी जागीर में भी मेवाड़ का ध्वज लहरा ही रहे। भाई शक्ति सिंह, आप यहां पूरे सम्मान के साथ रह सकते हैं। नहीं दादा भाई, हमारी इतनी ही भूमिका थी यहां, बस अब यहां का सारा राजपाट आप संभालिए, हम चलते हैं। खम्मा गणी, शहनशाह का इकबाल बुलंद, जान के अमान चाहता हूं जिले इलाही, प्रताप ने उदयपुर जीत लिया है। हमें फौरन अपनी एक ताकतवर फौज भेज देनी चाहिए जो फिर से उदयपुर छीन सके प्रताप से। हुजूर, नहीं आमिर, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, प्रताप अब उदयपुर कभी नहीं हारेगा, हम जानते हैं उसे। अब मुगल सल्तनत के कीमती सरमाए इस मकसद में जाया करने का कोई फायदा नहीं, जो हो गया वो हो गया, हल्दी घाटी हमारी आखिरी कोशिश थी। और वो जगमाल का क्या करें हुजूर? जगमाल अच्छा खिदमतगार है वो, पर इसी लायक है वो, यही औकात है उसकी। ये रीजा मत पूछिए छोटी माँ, अब हम और कितना खाएंगे? जैसा कि अब आपको कुछ ही वर्षों में महाराणा बनना है तो भोजन अब आपको समुचित करना ही पड़ेगा। अमर सिंह जी, आपको बलिष्ठ बनना है ना अपने राजीराज के सवार, तो लीजिए। अब पता चला कि इनका ये विद्रोही भाव आता कहां से है। वो राणा जी, हम तो बस इनको भरपेट भोजन करवाने का प्रयास कर रहे थे, और कोई बात नहीं थी हमारे मन में। जानते हैं फूल, किंतु बचपन से ही इनकी ये समस्या रही है, सरलता से भोजन नहीं करते। आजब देवी बिल्कुल हमें क्षमा कर दीजिएगा, हमें बात बात पर आजब देवी का नाम नहीं लेना चाहिए। नहीं नहीं राणा जी, कोई बात नहीं। नहीं फूल, बात तो है, जिस प्रकार आपने अमर सिंह जी की रक्षा की है, इनका ध्यान रखा है,
आजीवन हम आपके आभारी रहेंगे। पानाजी, कहने दीजिए, पता नहीं फिर भविष्य में अवसर मिले या ना मिले। जिस प्रकार तेज आंधी में कोई दिए को बचाता है, ठीक उसी प्रकार आपने इस परिवार को बिखरने से बचाया है। अजब दे के जाने के बाद हम सब बिखर चुके थे, टूट चुके थे, किंतु आपने परिवार को समेट कर रखा, सबको इतना प्यार दिया, सबका इतना ध्यान रखा। इस प्रकार आभार व्यक्त करें समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो किस बात का है कि? पर हमें कोई दुख नहीं है राणा जी, कि क्यों अजब दे आज तक आपके मन की सच्ची मां रानी है। ना कोई शिकायत है हमें इस बात को लेकर, बल्कि हमें तो गर्व होता है आप दोनों के सच्चे प्रेम और संबंधों की ऐसी घनिष्ठता को देखकर, जिसने जीवन मृत्यु तक की सीमाओं को कभी नहीं माना। बोल। राणा जी, हमें जितना मिला बहुत मिला है, अपनी आशा से भी कई अधिक मिला है हमें आपसे। समझ नहीं आ रहा है किस प्रकार आप हर क्या हुआ राणा जी? कुछ नहीं, संभवतः कोई पुराना घाव है, हरा भरा हो क्या होगा, चिंता का विषय नहीं है। हम आते हैं। हम आपके हर घाव को अपने स्नेह से भर देंगे राणा जी। राणा जी, आपका घाव न केवल बहुत गहरा है बल्कि मवाद भी फैलना आरंभ हो चुका है, जिसके कारण आपको तीव्र ज्वर है। इसके उपचार के लिए अब आपको महीनों विश्राम करना पड़ेगा। नहीं बच्चे, हम आपकी चिंता को समझ पा रहे हैं, किंतु आप कृपया हमारी समस्या को भी समझने का प्रयास करें। ये जो गति आ चुकी है इस घटनाक्रम में, इसे हम किसी भी रूप में इस क्षण अवरुद्ध होने नहीं दे सकते, क्योंकि बड़ी कठिनाई से हमारी प्रजा में, हमारी सेना में उत्साह जागा है, एक उमंग की लहर जागी है। अब ये रुक नहीं सकती जब तक हम चित्तौड़ को मुगलों के अधीनता से स्वतंत्र ना करवा ले। हम चुप नहीं बैठेंगे। अब वचन दीजिए, आप किसी से भी आप इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, एक ऐसा अभियान जो हमें हर हाल में, हर मूल्य में पूरा करना है। पर राणा जी। पर नहीं, वचन दे दीजिए, मान जाइए, देश हित में मान जाइए। ये ना ही आपके लिए है ना ही हमारे लिए, ये तो मातृभूमि के लिए है, हमारे देश के लिए है। मान जाइए। ठीक है राणा जी। अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, वाह, आप तो तलवारबाजी में बिल्कुल निपुण हो चुके हैं। हमें आपसे एक विशेष बात करनी है। क्या आप हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अभियान में हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? दाजीराज। अमर सिंह जी, हमारा गौरव चिन्ह चित्तौड़ हमें वो मुगलों से वापस छीनना है, क्या आप तैयार हैं हमारा साथ देने के लिए? दाजीराज, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा अपने कानों पे। आपने हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण अभियान में, अर्थात हमें इस योग्य समझा कि हम अपने पद चिन्हों पे चलने योग्य है। पद चिन्हों की बात छोड़िए, हमें तो विश्वास है कि आप जीवन में हमसे अधिक उन्नति करेंगे।
हमसे भी बड़े शासक बनेंगे। दादीराज ये देखिए चित्तौड़ दुर्ग की चाबी, हम इसे आठों पहर अपने साथ लेके घूमते हैं, क्योंकि पता नहीं कब आप उस पर आक्रमण करने का निर्णय लेंगे और कब इसकी रणनीति भी बना ले। हमें तो ये भी नहीं पता था कि आप हमें भी इसमें सम्मिलित होने का अवसर मिल जाएगा। ये तो हमारे सपने की सच्ची होने वाली बात हो गई दाजीराज। तो बताइए कब बना रहे हैं हम इसकी रणनीति? अमर सिंह जी, हमें यह रणनीति जो है अभी बनानी होगी, इसी क्षण बनानी होगी। राना जी, अजब दे कहाँ खो गई थी आप? आपकी आवाज अब हमें स्पष्ट सुनाई दे रही है, एकदम स्पष्ट। इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाए रखी, इतनी बड़ी बात! ये देशद्रोह है राजवैद जी, ये देशद्रोह है! मैं क्या कर सकता था आचार्य जी, राणा जी ने हमारे मुख पर ताला लगा दिया था। मैं उनको दिया हुआ वचन कैसे तोड़ सकता था आचार्य जी, कैसे तोड़ सकता था? हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए एकलिंग जी से राणा जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए। हमें माधव जी की पूजा करना चाहिए राणा जी के स्वास्थ्य के लिए। शरीर के भीतर बहुत गहरा है, दाजीराज, दाजीराज उठिए, उठिए दाजीराज, दाजीराज ये देखिए चित्तौड़ दुर्ग की चाबी, हमें जीतना है चित्तौड़ मुगलों से वापस। आप ही ने कहा था ना हम भी सम्मिलित होने वाले थे इसमें, आप ही ने बोला था दाजीराज हम जीतेंगे चित्तौड़ वापस मुगलों से। दाजीराज कुछ तो बोलिए। बाजीराज प्रताप की, बाजीराज प्रताप की।